हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल फिजिक्स 180। आमे फर्स्ट पिलांकर ग्रेविटेशन चैप्टर स्टार्ट करथले एंड ग्रेविटेशन ही आमे कैपिटल जी स्मॉल जी भीतर रिलेशन देखीथले। तो आज आमे स्टार्ट करबा कोन ना कैपिटल जी बा स्मॉल जी रो जो रिलेशन बार करथले से रिलेशन को यूज करके आमे गोटे लॉन्ग क्वेश्चन पढ़वा सेटा कोन आमे कहि परबा वेरिएशन ऑफ जी स्मॉल जी ड्यू टू हाइट बा विथ रेस्पेक्ट टू हाइट आम कहीपर मैंने और विथ रेस्पेक्ट टू हाइट बा गोटे बॉडी की एज हाइट को आम उठेदे ताले से केस रे जीरो भैल्यूटा कौन रहा। तो ताकि सपोज आम जो गोटे आर्थ ने आर्थर मास एम ने इनिशियली तो आर्थ मैं आर्थ रेडियस आर नहीं है इनिशियली गोटे बॉडी ये ए पोजिशन थिला से बॉडी को मुझे एज हाइट को घुंचेदेली है। तो एज हाइट को जब घुंचे से बॉडी बी पोजिशन पलैसी तो ए रे तार एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो आम जाने ए जेहतु सरफेस ऊपर रही सरफेस ऊपर जीरो वैल्यू के सरफेस ऊपर जीरो वैल्यू है जी एम बाई आर स्क्वायर आम ऑलरेडी बढ़ी सारी एवं ताको जो हाइट को उठे देली एवं यहाँ भितर डिस्टेंस के ओब्वियसली आर प्लस एच हो गला डिस्टेंसटा डिस्टेंसटा बढ़ीगला कहीं आम पढ़े जो दुटा बॉडी भितर बाहर करुच्चे ग्राविटेशनल फोर्स से आम कौन टोटाल डिस्टेंस सेंटर टू सेंटर नौ एटा डिस्टेंस के आर प्लस एच को इनक्रीज कर बी पोजिशन मानते आटे हाइट एच जी एच लिखुची तुम्हें चाहिए डैश भी सिम्बलाइज करें प्रोब्लेम करनी। तो बट से कौन मानते ये कौन ये आट हाइट एच जिते बड़े बॉडीटा को आट हाइट एज को आम उठे दूचे से ही समय जीरो भैल्यू कौन हो ना ई कैपिटल एम कहला आर्थ मास तो किसी चेंज होनी ना सो आर ही चेंज हो आर के आर प्लस एच रोटे स्क्वायर एच मैंने स्क्वायर कले इक्वेशन टू ए मत कंपेयर कर रही है मान जब मुझे बाहर करी जीटा वैल्यू हाइट एज के रोपाइंगा मतलब कंपेयर कराया पड़ो तो मुझे कल डिवाइड कले इक्वेशन टू बाई वन इक्वेशन टू बाई वन कले कौन इक्वेशन टू अच्छी जी एम बाई आर प्लस एच रो होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय जी एम बाई आर स्क्वायर एंड रेसिप्रोकल पकेबा में जी एम बाई आर प्लस एच रो होल स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर बाई जी एम तो जी एम जीएम कैनसल होर बोलला कौन आर स्क्वायर बाय आर प्लस एच रो होल स्क्वायर एंड ये गोटे ट्रिक आम मन रख मैंने ये पॉइंट टाक तुम्हें ध्यान रख देख जेहतु ऊपर आर स्क्वायर अच्छी एठू मुझ कौन करी ना आर कमन ने एंड कमन नबार मीनिंग बुझी था कमन माने जदि सपोज मुझे आर कमन नीली ता माने ये बोथ पटे आर मुझे डिवाइड करी बुझला यार कंडीशन है या एंड होल स्क्वायर अच्छे तो मुझे होल स्क्वायर देवी एमती कहीं मुझे कली आर टा कहीं मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करी ना मोर गोटे पर्टिकुलर फर्मूला गणापाई का। तो देख ये सल्व कले कहते ये जो आर स्क्वायर ये जो ब्राकेटेड अच्छे ब्राकेट पूर्व आर अच्छे एंड स्क्वायर अच्छे तो ये आर स्क्वायर होगा से भितर आर बै आर के वन आउ बढ़ला के आर होल स्क्वायर बुझे हो तो ये स्टेपटा यूँ मुझे कौन कली आर कमन नेबी केमी कमन नेबी पे कमन नाक डिफिकल्ट हुए से मुझे कौन कली आर ये जो होल इक्वेशन थिला या थे आर मल्टीप्लाई करदे आर डिवाइड करदे तो मोर यह ही आसला एवं आर स्क्वायर कैनसल हो बढ़ कौन वन बै वन प्लस एच बै आर होल स्क्वायर और वी कैन से दैट वन प्लस एच बै आर पावर माइनस टू एंड ये अनदर थिंग आम यूज करवा कौन ना बायनोमियल थ्योरम आम यूज करवा ता सहित हायर ऑर्डर डिग्री को कैंसल करके देख ये बायनोमियल थ्योरम टा तुम्हें मैथमेटिक्स में पढ़े बट फिजिक्स में बस आप्लिकेसन तुम्हें मन रख। तो आम कौन करवा ना ये बायनोमियल थ्योरम जो अप्लाय करवा ये जो पावर अच्छे के माइनस टू अच्छे से आसिक ये टर्म में मल्टीप्लाई हो कौन पाइबी मुझे जी डैश बै जी इजिकल टू वन माइनस टू एच बै आर बुझेगा जी डैश बै जी इजिकल टू वन माइनस टू एच बै आर एबे जी डे डिवाइड है आर पट गले कौन हम ओब्वियसली मल्टीप्लाई हम सो यू कैन राइट जी डैश बै जी इजिकल सॉरी जी डैश इजिकल टू वन माइनस टू एच बै आर होल इन टू जी और वी कैन राइट जी माइनस मैं ये कौन कल मुझा को स्मॉल जी टा को ईच एंड एवरी टर्म मल्टीप्लाई कर दली। तो जी डैश इजिकल टू के जी डैश इजिकल टू जी माइनस टू डी एच बै आर एबे आ गोटे स्टेप करदे ये जो जी डैश अच्छे आपको डाण पट को नहीं जी राइट हैंड साइड को एंड ये लेफ्ट हैंड साइड को नहीं आसवा तो मोर हम कौन ना टू जी एच बै आर इजिकल टू जी माइनस जी डैश बा आम जो कहले कौन ना जी रु जी डैश को सब्ट्रैक्ट कले मुझे गोटे पॉजिटिव चम पाइबी के टू जी एच बै आर पाइली
তার মানে যেহেতু পজিটিভ টার্মটা আমি পাইলি অবভিয়াসলি ফার্স্ট টার্মটা গ্রেটার দ্যান সেকেন্ড হয়েছিলে হি মো কন্ডিশন পাইবি সো ইট হিয়ার উই গেট দ্যাট স্মল জি ইজ গ্রেটার দ্যান জি ড্যাশ তার মানে স্মল জি কহিলে সরফেস উপরে কেতে রয়েছে সরফেস উপরে হাইয়েস্ট রহিব দ্যান দ্য হাইট এজ বুঝিলা এটা কেমিতে মু বাহার কলি না যেহেতু জি রু জি ড্যাশ সবট্রাক্ট কলে পজিটিভ নম্বর আসিলা দশ জি মস্ট বি গ্রেটার আমি ভাবু না যেতবে ফাইভ মাইনাস টু করছ তুমি পজিটিভ নম্বর পাওছ বা টু মাইনাস ফাইভ কলে কোন নেগেটিভ নম্বর পাওছ তার মানে যদি পজিটিভ নম্বর পাওছ তো ফার্স্ট অবভিয়াসলি গ্রেটার রহিব তো সিমিলারলি মুড়ি কইলি জিটা কেতে রহিব গ্রেটার দেন জি ড্যাশ রহিব হোপ কি তুমি মানে বুঝি পারথো যাহা বি মু ডিটেলস ডেরাইভ কলি ভালো ভাবে বুঝি পারছ যদি বি কিছু ডাউট আছে নিশ্চয় কমেন্ট বক্সে জানাও মতে এবে আমরা আরো আউ গোটে স্টেপ এক্সট্রা করিবা মানে এটা তো মোর এক্সপ্রেশন বাহার গলা আমি জানিগলি উপরকু জীব যেতবেলে গোটে বডি অবজেক্টটি তাহলে তার জির ভ্যালু কোন হয়ে যাব ডিক্রিজ করে যাব এবে তোমাকে যদি পচারিব জির ভ্যালু তো ডিক্রিজ করে গলা তাহলে ওয়েট র লস কেতে হলা যদি আমি উপরকু গলে জির ভ্যালু ডিক্রিজ করে আছি তাহলে ওয়েট বি ডিক্রিজ করিব কাহে কি না ওয়েট র ফর্মুলা পুরা ডব্লিউ ইজিকাল টু এমজি মানে ওয়েট রে যেগুলো আমি কুচে ওয়েট কহিলে আমার মাস সহ আশেপাশে নিউটন গ্রাভিটি কু মাল্টিপ্লাই করি কুচে তাহলে এই লস ওয়েট রে বি লস হবা তাহলে এই দেখ এই যে ইকুয়েশন আছে এই যে ইকুয়েশন আছে এইখানে আমি মাস হি মাল্টিপ্লাই করদেবা তো যদি মাল্টিপ্লাই করদেবা স্মল এম ফর বডি র মাস মাল্টিপ্লাই করদেলা তাহলে আমার কেতে আসছে টু এম জি এইচ বাই আর আসছে তাহলে এই যে টার্মটা এই টার্মটা কোণ না আগ এম জি থিলা এবে এম জি হেলা ইয়াকু হি তো আমি ওয়েট রে লস বলে কুচে তাহলে কেতে অ্যামাউন্ট ওয়েট র লস হব এতিকি অ্যামাউন্ট ওয়েট র লস হব তো ই রহিলা গোটে কমপ্লিট লং কোশ্চেন তোমাকে এই পর্যন্ত পচারি পারে কিংবা লস অফ ওয়েট সহিত বি পচারি পারে লং টার্ম লস অফ ওয়েট পচারিব আমি সেই পর্যন্ত করিবা আও তো ইয়া পরে আমি কম করিবা না তার ডেথ কথা করিবা আর ডেথ কি আমি নেক্সট ভিডিও রে দেখিবা আর নিজের ফ্রেন্ড মানুষ নিশ্চিন্ত ভাবে এটা শেয়ার করতু সো দ্যাট চ্যানেল গ্রো করিবা তোমাদের এই টাইপ্র ভিডিও নিয়ে আসবে সো থ্যাংক ইউ সো মচ ফর ওয়াচিং আস।